नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है। इसके पहले हमने सिलेबस और पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ओके, तो सभी वीडियो का PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, क्या है? समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, इंग्लिश में है सोशियोलॉजी एज ए साइंस। जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र का परिचय पढ़ना है, क्या? इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, पूरे बुक में आपको समाजशास्त्र का परिचय ही पढ़ना है, ठीक है? तो दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जो आपके एग्जाम में मुख्य प्रश्न बनते हैं लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी में, तो सबसे पहले उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनता है, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट कीजिए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जा सकता है, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है, एक वैज्ञानिक विधा के रूप में समाजशास्त्र के उदय की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। चौथा है कि समाजशास्त्री अध्ययनों के वैज्ञानिक अभिमुखन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। और पांचवा है, सिद्ध कीजिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ओके, और छठा है, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियों का वर्णन कीजिए। टोटल 6 क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है, ये लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को मिक्स किया है हमने। ओके, तो अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं आप 6 क्वेश्चन, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आपसे नहीं छूटेगा। साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। तो जो भी छात्र हमारे चैनल पर अभी नए व्यूवर्स हैं, ठीक है, यानी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति। क्या है? समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक और कुछ वास्तविक मानते हैं, किंतु कुछ विद्वान इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक मानने से इनकार भी करते हैं। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक मानने वाले वैज्ञानिकों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्या ये एक वैज्ञानिक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, इसमें क्या डिफरेंट है, ये बातों को हमको पता लगाना है। तो इसके विषय में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। तो हम लोग जानेंगे कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है? जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक टॉपिक के 2 पहलू होते हैं, एक तो उसके पक्ष में होता है और दूसरा उसके विपक्ष में होता है, एक उसका समर्थन करेगा दूसरा उसका समर्थन नहीं करेगा। तो इसी तरह कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक वैज्ञानिक क्षेत्र का हिस्सा है, और कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक कभी हो ही नहीं सकता, विज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसके कई रीजन भी हैं, इसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी, तो उन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति यानी साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत समाजशास्त्र विज्ञान क्यों, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है इसलिए यह विज्ञान है। तो माना जाता है कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार से किया जाता है, देखिए, अवलोकन विधि की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है, जैसा कि जनगणना हो गया, मतगणना हो गया, तो ये एक अवलोकन विधि द्वारा हम लोग समाज के व्यवस्था को समझते हैं, तो वो एक वैज्ञानिक तरीके से हो गए, ठीक है? उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, बिना किसी पक्षपात के निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है।
समाजशास्त्र को विज्ञान मानने जाने के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। समाजशास्त्रियों ने अपना वैज्ञानिक या विज्ञान के पक्ष में अपना तर्क दिया है, तो चलिए उसको समझते हैं। पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत समाजशास्त्री वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार तथ्यों का संकलन करता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। ओके, तो समाजशास्त्र की जो भी गणनाएं होती हैं वो सामाजिक तथ्यों के संकलन से ही होता है। एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसे हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें अध्ययन करने वाले व्यक्ति स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण तथा तथ्यों का संकलन करते हैं। ओके, तो जो समाजशास्त्रीय घटनाएं होती हैं वो कोई काल्पनिक नहीं होती, वो एक वास्तविक रूप में होती हैं, जहाँ पर व्यक्ति स्वयं जाकर उस घटनाओं का निरीक्षण करता है। अगला पॉइंट है तीसरा, समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है ना, क्या है, याद रखिएगा। देखिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं की विवेचना की जाती है। इस शास्त्र में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत क्या है का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो होता है वो एक वास्तविक होता है, रियल होता है। उसके अंतर्गत एक कल्पना के आधार पर हम किसी चीज़ को डिनोट नहीं कर सकते। उसमें क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ओनली क्या है, वर्तमान समय में क्या है, इसका उल्लेख किया जाता है। तो इन तीन हेडिंग द्वारा हमने ये समझा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है चौथा, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। क्या? सोशियोलॉजी में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में तथ्यों तथा घटनाओं का वर्गीकरण तथा विश्लेषण करने के पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इनके निष्कर्षों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का निर्माण किया जाता है। ओके, तो जो समाजशास्त्र होते हैं और उनके जो सिद्धांत होते हैं उस पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है, और उसी निष्कर्ष के आधार पर हम वैज्ञानिक नियमों का निर्माण करते हैं या वैज्ञानिक रूल्स बनाते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ओके, इसके अंतर्गत समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के दायरे में रहते हुए भी सार्वभौमिक प्रकृति के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इसके तात्पर्य यह है, यदि परिस्थितियां समान रहें ओके, तो समाजशास्त्री सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। यदि सभी परिस्थितियां समान रहें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक समाजशास्त्र को सार्वभौमिक माना गया है। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो हर कालों में समाजशास्त्र की परिभाषा वही होगी। मैं देखते हैं कि कुछ समाजशास्त्रियों ने समाज को विज्ञान मानने के साथ साथ उसमें बहुत सारी आपत्तियों का भी वर्णन किया है जो कि निम्न है, और कहा समाजशास्त्र विज्ञान नहीं बन सकता। तो जैसा कि हमने बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर डिफिनेशन की, कोई भी डिफिनेशन होगी किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी टॉपिक की, उसके दो पहलू होंगे। एक तो उसके पक्ष में होगा जो उसकी सहायता करेगा या उसकी अच्छाइयों को बताएगा, और दूसरा उसके विपक्ष में होगा जो उसका विरोध करेगा और उसकी बुराइयों को बताएगा, ठीक है। तो उसी तरह बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये एक विज्ञान है, लेकिन बहुत सारे समाजशास्त्री ये भी कहते हैं कि ये विज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। तो जो समाजशास्त्री कहते हैं कि ये एक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो उसके पक्ष में भी कई सिद्धांत दिए, उसके पक्ष की बातें, विज्ञान की बातें भी बताई हैं उनमें कि क्या क्या इसमें विज्ञान से रिलेटेड है। और जो कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं हो सकता या विज्ञान कभी बन नहीं सकता समाजशास्त्र, तो वो भी अपने विरोध में भी या उसकी आपत्तियाँ भी कई बताई हैं। तो चलिए उन आपत्तियों को पढ़ते हैं जो समाजशास्त्र विज्ञान ना बनने के कारण बनते हैं। हेडिंग लिखेंगे हम लोग, आपत्तियाँ और मूल्यांकन।
ये सेम टू सेम पूरा आप इसका नोट्स बनाते चलिए। पीडीएफ तो हम आपको देते ही हैं टेलीग्राम पर, जो भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं, उसका आप एक नोट्स बढ़िया से बनाते चलिए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है। वैसे तो हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देते हैं, बट आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। लिखने से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। इस हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे आपत्तियाँ और मूल्यांकन, ठीक है, आपत्तियाँ और मूल्यांकन। जैसा कि हमने बताया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और एक विज्ञान नहीं भी है, तो समाजशास्त्र विज्ञान होने में क्या क्या आपत्तियाँ हैं इसको हम समझेंगे। कुछ विद्वानों ने प्रमुख रूप से प्रायः निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई हैं। पहला पॉइंट है, सामाजिक घटनाएँ जटिल और निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बताया जाता है कि सामाजिक जो घटनाएं हैं वो एक जटिल होती हैं, जिसे सामान्य तौर पर हल करना मुश्किल है, और वो निरंतर परिवर्तनशील होती हैं, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो सामाजिक घटनाएं जो हैं वो एक जटिल हैं और निरंतर परिवर्तनशील हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर टू है कि सामाजिक घटनाएँ के अध्ययनों में वैज्ञानिक तटस्थता संभव नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर थ्री, समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला का अभाव है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है समाजशास्त्र विज्ञान ना होने का। क्योंकि कोई भी चीज़ विज्ञान हो, चाहे वो बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सबका एक अपना प्रयोगशाला होता है जिसमें सूक्ष्म चीज़ों का वर्णन किया जाता है, बट समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला तो है नहीं, तो इसको हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं, ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकते। तो सेम वही रीज़न है कि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आपत्तियाँ जताई हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं जिन्हें समाजशास्त्र को विज्ञान हम कह सकते हैं। तो वही दोनों डिफरेंट को इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर फोर, सामाजिक घटनाओं को मापने में कठिनता होती है, है ना। और पांचवा नंबर है, समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान नहीं है। और छठवां नंबर है, समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जबकि विज्ञान एक भविष्यवाणी कर सकता है कि हम इसके बाद इसमें से ये मिला देंगे, ये इसमें से ये केमिकल मिलाएंगे या इसमें से ये डालेंगे तो ये बन सकता है, बट सोशियोलॉजी में ऐसा कहीं नहीं है कि हम आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं, ऐसा समाज में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान, ओके। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि यह भेद विषय वस्तु से संबंधित है। प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक तथ्यों व घटनाओं एवं भौतिक पदार्थ, वनस्पति, विद्युत, ध्वनि व प्रकाश आदि के प्रकृति विज्ञानों की विषय वस्तु है, ओके। दूसरी हेडिंग है, समाजशास्त्र एक प्रत्यक्ष या वास्तविक विज्ञान है न कि आदर्शात्मक, ओके। तो विज्ञानों को प्रायः दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला प्रत्यक्ष विज्ञान, दूसरा आदर्शात्मक विज्ञान। प्रत्यक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम क्या हैं का अध्ययन करते हैं, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होने चाहिए का अध्ययन करते हैं, किसका क्या होना चाहिए, और प्रत्यक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम क्या हैं इसका अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु है, समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यवहारिक विज्ञान। देखिए, विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला विशुद्ध विज्ञान और दूसरा व्यवहारिक विज्ञान। किसी विषय का सैद्धांतिक विवेचन और तदानुरूप नियमों का प्रतिपादन विशुद्ध विज्ञान है, जबकि उन्हीं नियमों को कार्य रूप से लागू किया जाता है तो वह एक व्यवहारिक विज्ञान बन जाता है, जैसे भौतिक या वनस्पति शास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ठीक है। तो समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यवहारिक विज्ञान। अगली हेडिंग है, हेडिंग नंबर चार, समाजशास्त्र एक अमूर्त है न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त है न कि मूर्त विज्ञान। देखिए, समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किसका,
सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये संबंध भौतिक पदार्थ या तत्वों के समान मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त होते हैं। अमूर्त से तात्पर्य किसी तत्व के समान पक्ष से है, उसके विशेष या पूर्ण पक्ष से नहीं। जैसे पाक भारत, पाक मतलब पाकिस्तान, और भारत युद्ध समाज शास्त्र का अध्ययन विषय नहीं है। समाज शास्त्र में युद्ध का अध्ययन सामाजिक संघर्ष की एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में किया जा सकता है या किया जाता है। ओके, अगली हेडिंग है हेडिंग नंबर 5, समाज शास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है। क्या है? सामान्यीकरण विज्ञान, न कि विशेषीकरण विज्ञान है। देखिए, विशेषीकरण विज्ञान वे होते हैं जो किसी विशेष वस्तु का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। जैसे भौतिक शास्त्र में ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबक आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, ना कि विशेषीकरण, ना कि इसका कोई विशेष रूल्स है, नियम है, कोई मापदंड है, ये एक सामान्य है। ओके, इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, सिद्ध कीजिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों क्वेश्चन में बन सकता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी लघु उत्तरी में भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो ये हेडिंग है। देखिए, लगातार 16, 17, 19, 21 में पूछा गया है। देखिए, समाजशास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। जब भी हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें वैज्ञानिक तौर पर मुझे देखने को मिलती हैं। परिकल्पना के निर्माण से लेकर के सामान्य नियमों के प्रतिपादन तक संपूर्ण प्रक्रिया समाजशास्त्र में व्यवस्थित और सुनिश्चित तरीके से अपनाई जाती है। जैसा कि विज्ञान में हमको देखने को मिलता है कि हर एक पद्धति को एक निश्चित ढंग से बनाया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम किसी सामाजिक विषय पर एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तथ्यों का संकलन करने के लिए समाजशास्त्र के अनेक यंत्रों, प्राविधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम गणना करते हैं, समाज की गणना करते हैं कि कितने लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, तो उसमें हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, कापी का प्रयोग करते हैं, कलम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक तरीके से वैज्ञानिक यंत्र, वैज्ञानिक उपकरण भी हमें सामाजिक गणनाओं में प्रयोग करना पड़ता है। तो अनेक यंत्रों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे ये यथार्थ बन सके। तथ्यों का वर्गीकरण करके सावधानीपूर्वक कार्य कारण संबंध खोजे जाते हैं। परीक्षण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को सत्यापित किया जाता है, और जब परिकल्पना सत्यापित हो जाती है तो वह सामाजिक नियमों का रूप ले लेती है। प्रत्येक विज्ञान अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी विशिष्ट पद्धति का निर्माण करता है। जैसे जीव विज्ञान में चीरफाड़, रसायन विज्ञान में घोलों का मिश्रण, समाजशास्त्र में अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए अनेक विशिष्ट पद्धतियों का निर्माण किया है। जैसा कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति द्वारा समाज मिति आदि, अतः सिद्ध हो जाता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ओके, तो हम लोग समझ गए हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे है, कि बहुत सारी चीज़ें हमें समाज में ऐसे देखने को मिलती हैं जो विज्ञान के बिना वो संभव है ही नहीं। चाहे वो गणना की बात हो, चाहे उसको एक व्यवस्थित करने का ढंग हो, है ना। तो जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान में हमको ये देखने को मिलता है कि सबका एक रूल होता है कि हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हमको चीरफाड़ करना पड़ेगा, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें घोलों का मिश्रण करके आज हम बहुत सारे निष्कर्ष निकालते हैं। सेम उसी तरह समाजशास्त्र में भी हमको देखने को मिलता है कि एक अच्छे निष्कर्ष निकालने के लिए, एक अच्छे तरीके की पद्धति अपनाने के लिए हमें बहुत सारे रूल और नियमों को फॉलो करना पड़ता है, जैसा कि विज्ञानों में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक अस्थायित्व की और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था। चार ऑप्शन है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सेंट सीमो या अगस्त कॉन्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अगस्त कॉन्ट। ओके,
तो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है कि समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है, परिणात्मक है या कार्य विधिकी है या गुणात्मक है। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वस्तुनिष्ठा उन्मेषित है। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठा उन्मेषित है, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है तीन नंबर, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? रॉबर्ट बीरस्टीड, मैकाइवर वोपेज, कार्ल मार्क्स या किंग्सले डेविड। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, रॉबर्ट बीरस्टीड, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक भौतिक पद का प्रयोग किसने किया? दुर्खिम, काउंट, वेबर, स्पेंसर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका काउंट, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्नलिखित में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिक के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक और दो, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर छः, कौंट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है समाज का, समुदाय का, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का या सामाजिक समूह का? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात है कि समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिक है, किसने कहा? स्पेंसर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्प्ट। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, अगस्त कॉम्प्ट। क्वेश्चन नंबर आठ है, किसने कहा है कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं? चेंज, लुडबर्ग, मार्क्स, पियर्सन। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लुडबर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ, समाज भौतिकी का परिवर्तित नाम है किसका? समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान या उपयुक्त सभी? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, समाजशास्त्र, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है? गिडिंस, मैकाइवर एवं पेज, वार्ड, गिलिन एवं गिलिन। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वार्ड। ओके तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसका पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।